हेतल वो कोकिला और गोपी अब तक आए क्यों नहीं? लगता है वेवान जी और गोपी आ गए। आप कहाँ गए थे? मैं तो बस थोड़ा बाहर। लेकिन आप लोग कितनी सुबह सुबह जाग रहे हो, क्या हुआ, कल सोए नहीं? काकी मॉम का विद्या, विद्या सो रही होगी, चलो इट्स ओके। क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो कोकिला और गोपी तो भाई वो लोग मंदिर गए। हाँ वो आज एकादशी है ना बेटा, तो हो सकता है मंदिर में बहुत भीड़ हो, इसलिए गोपी और कोकिला को आने में देर हो गई। चलो चलो हम आरती शुरू करते हैं। बा मैं बस दो मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। जल्दी आ जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब अगर इसे पता चल गया कि विद्या वापस अपने ससुराल चली गई है तो मैं जाने अब क्या करेगा वो। ये लो गोपी और कोकिला आ गए। कोकिला सब कुछ ठीक है ना वहां? जी बा, विद्या वहां बिल्कुल ठीक है और गौरा को भी सब अच्छी तरह से समझा कर आई हूं मैं। लेकिन कोकिला अहम, कृपया आप लोग चिंता मत कीजिए, सही समय पर मैं अहम से स्वयं बात करूंगी। आरती शुरू हो गई है फिर भी विद्या नहीं आई। बेटे जाओ जाकर विद्या को बुला के लेकर। श्री कृष्ण भगवान की जय। अपनी बेटियों की चिंता मत करो, कृष्ण भगवान सब उचित करेंगे। बेटी तुम विद्या को बुलाने गई नहीं? मैं खुद ही उसे बुला लेता हूं। विद्या, विद्या मॉम को विद्या क्यों नहीं रही? विद्या छोकरी छुशा बदू, मैं तो मेरे कान्हा जी का अभिषेक करके उनकी मूर्ति स्थापित कर रही हूँ बाजी। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन किसे पूछ के ये सब कर रही तू? देख लड़की, इस मंदिर में सिर्फ माँ अम्बे की मूर्ति रहेगी। बाजी
इंसानों के बीच तो भेदभाव करते हैं लोग। आप तो भगवान में भी। जबान संभाल के विद्या, ये मेरी बा है। देख छोकरी, तेरी दादी माँ और तेरी गोपी माँ ने यहाँ के चार बातें क्या सुना दी? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। उन्हीं लोगों की वजह से इतनी हिम्मत आई है इसमें। भगवान की मूर्ति स्थापित करने के लिए हिम्मत की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। लेकिन इस घर में बरसों से माँ अम्बे की ही पूजा हो रही है, कान्हा जी की नहीं हो रही है। भगवान तो सब एक ही है ना, सिर्फ उनकी छवियाँ अलग अलग है। और फिर अगर आप अम्बे माँ के साथ साथ मेरे कान्हा जी की भी पूजा करेंगे तो इसमें गलत क्या है? अगर सच्चे दिल से पुकारे तो अम्बे माँ भी सुनेंगी और कान्हा जी। आप सब लोग चुप क्यों हैं? वो हिम जी, दरअसल विद्या, विद्या अपने ससुराल चली गई है। अहम, मेरी बात सुनो। एक मिनट मॉम, क्या कहा तुमने? प्लीज अहम जी, आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा क्यों लग रहा हूं? अहम, हमारी बात तो सुनो। एक मिनट मॉम, आप लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? मॉम, आपको पता है कि वहां कैसे लोग हैं, फिर भी आप लोगों ने उसे भेज दिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ना, अभी तू चुप कर। अहम, अहम जी शांत हो जाइए। विद्या खुद जाना चाहती थी वहां, वो मीरा को यहां वापस लाना चाहती है। अच्छा, उसने बोला तुमने मार दिया, जाने दे उसे। अहम, अहम लिखा, शांत हो जाए। नहीं बात, एक ने तो जान बूझ के अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया और दूसरी को आप लोगों ने जान बूझ के आग में धकेल दिया है। बंदे के लिए इतना गुस्सा ऐसी विकट परिस्थिति में अच्छी बात नहीं है। और विद्या की चिंता मत करो, मैं और गोपी वो हम दोनों ही विद्या को उसके ससुराल छोड़कर आए हैं। क्या? आप दोनों ने? अहम जी, वो क्या गया आप लोग? क्या सोचकर उसे छोड़कर आए हैं आप लोग? अहम विक्रा, भगवान के लिए शांत हो जा बेटा, और वो किसी भी कीमत पर अपनी मीरा दी को वहां से सुरक्षित वापस ले आना चाहती थी। भाई, आज अगर विद्या की जगह आप या मैं होते तब हम भी यही करते। अहम, हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारी विद्या इतनी कमजोर नहीं है कि वो स्वयं की रक्षा न कर सके। वो गौरा को अच्छे से सबक सिखाकर अपनी बहन मीरा को वापस घर लाने में अवश्य कामयाब होगी। बस मॉम, अब मुझे किसी की कोई सफाई नहीं सुननी। अरे, उसे रोकने की बजाय मैं खुशी खुशी उसे जाने दिया। ठीक, अगर आप लोग उसे छोड़कर आए हैं तो मैं अभी जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा उसे वापस लेकर आऊंगा इसी घर में। जाइए अहम जी, प्लीज रुक जाइए।
तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है बेटा। भजन और सुन लेना, आवी मोटी सुरीली आवाज है, चल। एमजी, क्या आपका आपकी विद्या पर भरोसा नहीं है? मैं कह रही हूँ ना, उसे कुछ नहीं होगा, वो अपनी रक्षा कर सकती है। तुम्हें हो क्या गया गोपी? तुमने देखा ना गोरा उसके बेटे धर्म को, कि कैसे लोग हैं वो, और फिर भी तुम उसे छोड़कर आ गई? क्यों गोपी क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम उसकी माँ हो या दुश्मन। एमजी प्लीज, अगर माँ होती तो ऐसा फैसला कभी नहीं करती। क्योंकि मैं मीरा की भी मां हूं एमजी, मुझे मीरा की भी चिंता है, और ये बात भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त सिर्फ विद्या ही है जिसने हमारे और मीरा के बीच की कड़ी को जोड़े रखा है। ना मतलब मीरा का, मैं तुमसे कहा ना कि मीरा मेरे लिए मर चुकी है। अहम रुक जाओ, सिर मत करो अहम, ये जिद नहीं है बाप, ये मेरी विद्या का सवाल है। तुम्हारी विद्या? तुम्हारी बेटी क्या मेरी कुछ नहीं लगती? अरे हमने भी अपने दिल पर पत्थर रख के विद्या के इस फैसले को स्वीकार किया है। तुम्हें क्या लगता है, मैं या गोपी वाऊ बिना सोचे समझे विद्या की जान खतरे में डालेंगे? खतरों से खेलने का शौक है आपकी गोपी वाऊ को, और अब इसे आदत पड़ गई है। आज से पहले भी इसने एक लापरवाही की थी, और इसी की लापरवाही से हमने मीरा को खो दिया था। एम जी, गोपी बाबू, गोपी भाभी, गोपी दिख रहा? गोपी बेटा, गोपी अहम 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 दिख रहा? सुन, उठो उठो। बाजी, मेरी गोपी वो इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम्हें चट्टान की तरह अड़िग और मजबूत रहना होगा, और तभी हम जीत पाएंगे। वो सब तो ठीक है माजी, लेकिन कुछ नहीं होगा, वहां विद्या है ना, वो अहम को संभाल लेगी। अने पीछी बात, जब अहम स्वयं अपनी आंखों से मीरा को देखेगा तो वो भी अच्छी तरह से समझ जाएगा कि मीरा को वापस इस घर में लाना कितना आवश्यक है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।